फ्रंट एलईडी बल्ब ठीक करना अब हुआ आसान। आप कोई भी इलेक्ट्रिक सामान छोड़ के आप सिर्फ हाथ से भी आपका एलईडी बल्ब ठीक कर सकते घर पे। वो बहुत ही आसान है, आपको बताऊंगा आप कैसे एलईडी बल्ब घर पे सिर्फ हाथ का मदद से कोई भी सामान छोड़ के आप ठीक कर सकते। बाजार से जब कोई एलईडी बल्ब खरीदते तो कोई कोई कंपनी एक साल के लिए, कोई कंपनी दो साल के लिए आपको गारंटी दे दे, लेकिन उसके बाद आपका एलईडी बल्ब का गारंटी ऑन नहीं बचते। तो उसके बाद अगर आप कोई मेकर के पास लेके जाते तो आपको पैसा देना पड़ते, लेकिन आप खुद ही घर पे ठीक कर सकते बहुत ही आसानी से। ऐसे एलईडी बल्ब में कुछ खराब होता नहीं है, तो कैसे ठीक कर सकते आप देख लीजिए। कोई भी एलईडी बल्ब ले लेना जो आपका खराब हो चुका है, अच्छा नहीं निकलना, तो सिंपली थोड़ा प्रेशर करोगे तो ऐसे खुल जाते हैं। अगर फिर भी आप खुल नहीं पाते तो थोड़ा सा हीट दोगे तो इधर से आसानी से खुल जाते, क्योंकि इसमें टूटने वाला कुछ होता ही नहीं है। आदमी सोचते टूट जाए कि नहीं, लेकिन ऐसे टूटने वाला इसके अंदर होता ही नहीं है कुछ। तो थोड़ा सा मार दोगे तो ऐसे खुल जाएगा। खुलने का बाद फ्रेंड आपको अंदर नहीं खोलना, सिर्फ ऊपर तक खोलना। मैं चेक कर देते हैं, आपको चेक करके बताते, आप देख सकते हैं चेक करने के लिए। आप सिर्फ सादा सिंपल सा होल्डर में लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं होगा। आपका पास जो भी होल्डर है वो लगा लेना, पहले चेक कर लेना अच्छा है कि नहीं। उसके बाद फ्रेंड इसमें जितना भी एलईडी देखेगा अलग अलग से, इसमें से कोई भी एक खराब हो जाते इसलिए ऐसा होता है। तो पहले आप दो प्लस माइनस से देखे कोई भी सिमटी ले लेना, प्लस माइनस देखे चेक कर लेना ऐसे लाइट आ रहा है कि नहीं। लाइट अगर आएगा तो भी, तो सिर्फ चेक करने के लिए आप ऐसे प्लस माइनस चेक कर सकते, लेकिन अगर प्लस माइनस करोगे तो आपका बल्ब खराब नहीं हो जाएगा। तो इधर में आपको दिख जाएगा बहुत सारे एलईडी बल्ब पे छोटा छोटा बल्ब लगा के रखा है। तो फ्रेंड इसके अंदर से कोई भी एक खराब हो जाए ना तो ऐसे बंद हो जाते, लेकिन आपको पूरा एलईडी बल्ब खराब नहीं हो जाते। तो सिर्फ दोनों साइड में प्लस माइनस आप मेज ऐसे कर रहे हो, आप देख सकते। तो आप कोई भी छोटा छोटा बल्ब का दोनों साइड में देखे चेक कर सकते। आपके पास अगर चिमटी नहीं रहा तो आप में वायर का सहारा भी ले सकते, वायर से भी कर सकते, ऐसे दोनों एडजस्ट करके देखना प्लस माइनस प्लस माइनस। तो फ्रेंड ज़्यादातर क्या होती है, एक आधा बल्ब खराब हो जाते तो इसलिए नहीं जलते। तो आप देखना इधर में ये वाला बल्ब खराब था इसलिए वो शॉर्ट सर्किट हो गया था इसलिए नहीं जल रहे थे। तो आपको क्या करना है, ये जो खराब वाला बल्ब है ये निकाल देना पड़ेगा। ये निकाल के फिर दूसरा अगर बल्ब नहीं रहे तो भी चलेगा, आप दोनों साइड एडजस्ट कर देना, दोनों जो साइड है प्लस और माइनस वो एक कर देना, एक ही कर देना, तो अपने से ही जलने लग जाएगा। और अगर चाहते नहीं है एक बल्ब और आपको जोड़ना है तो आप बाजार से एक रुपये में भी एलईडी बल्ब दूसरा कोई बल्ब खरीद के लेके आ सकते हैं। जैसे मैं दूसरा एक बल्ब को आपको बताते, मैं एक बल्ब लेके आपको देखने के लिए, पहले तो ये अच्छा करके इधर से निकाल देना। तो आप अगर नहीं लगाना चाहते तो दोनों प्लस माइनस एक कर दोगे तो बहुत ही आसानी से फिर से जलने लगेगा। तो मैं ऐसे भी कर सकते हैं, और दोस्ता मैं जैसे बल्ब लिया हूँ ऐसा भी आप ले सकते हैं बल्ब। दूसरा प्लस माइनस इधर से चेक कर लेना, कभी बाजार से लाके एक रुपये में मिल जाते आपको ये एलईडी। तो इधर में मैं चेक करता हूँ, प्लस माइनस में दिख लिया। तो प्लस माइनस देखने का बाद फ्रेंड इधर में आपको लगाना पड़ेगा एक प्लस में एक माइनस में। लेकिन मैं फिर एक बार आपको बता देते, इधर में आप चाहते जो मैं दूसरा बल्ब नहीं लगाना तो सिर्फ प्लस माइनस चेक कर दोगे तो भी आपको एलईडी बल्ब ठीक हो जाएगा। लेकिन जो आदमी चाहते हैं जो मैं दूसरा बल्ब लगाऊँ तो ऐसे ही लगा लेना किसी भी तरह एक साइड में, लेकिन वो लगाने का टाइम पे देखना जो नीचे में शॉर्ट नहीं होना चाहिए। तो हो गया आपका एलईडी बल्ब ठीक, अभी क्या करना, अभी कवर लगा देना। फ्रेंड कितना भी पुराना बल्ब है एलईडी बल्ब ऐसे खराब नहीं होते, एक आधा बल्ब का वैसे ऐसा हो जाते। तो आप देख सकते हैं मेरा एलईडी बल्ब इतना आसानी से आप सिर्फ हाथ से ही ठीक कर सकते हैं। अभी आपको चेक करके भी बताते, देख सकते फ्रेंड जलने लग गया बिल्कुल। ऐसे आप बहुत ही आसानी से आपका एलईडी बल्ब भी ठीक कर पाओगे और कोई भी दिक्कत नहीं होगा। लेकिन एक सावधानी बरके रखें फ्रेंड, कोई भी अगर लाइट का यह कर रहे हैं तो पहले से आपका चिमटी में टेप वगैरह लगा लेना, कोई भी पेपर लगा लेना जो आपको शॉर्ट ना कर पाए। तो फ्रेंड इतना आसानी से आपका एलईडी बल्ब आप ठीक कर सकते बहुत ही आसानी से। फिर भी कोई दिक्कत हो रहे तो जरूर मेरे को कमेंट करना, कमेंट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। फिर भी अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर कमेंट कर में, और हमारे साथ जुड़ा रहना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और कोई भी लेटेस्ट वीडियो मेरा सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। तो फ्रेंड तब मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार।